हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। एसएससी एमटीएस का 21 जुलाई का सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे जीके जीएस का। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसमें जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके जुड़ जाइए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था वो देख लेते हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑकर्ड इन, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1984, और उस गैस का नाम था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिग गैस के शॉर्ट फॉर्म होगा आपका मिग गैस, ठीक है। और कंपनी था आपका यूनियन कार्बाइड कंपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका मीराबाई चानू ओन सिल्वर मेडल इन हुईज के, मीराबाई चानू किस खेल में रजत पदक जीता था? उसका आंसर हो जाएगा आपका वेट लिफ्टर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेन्स 49 kg कैटेगरी में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कोनिस्को वाज द रूलर ऑफ हुईज डायनेस्टी, कोनिस्को किस वंश का शासक था? उसका आंसर हो जाएगा आपका कुषाण एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हु बिकम सुल्तान आफ्टर राजिया सुल्ताना, तो राजिया सुल्तान के बाद कौन सुल्तान बना? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बहरम शाह, 1240 से 42 तक 2 साल इसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस, तो निम्नलिखित में से किस गैस है नोबेल गैस? तो ऑप्शन पता नहीं, जो जो नोबेल गैस है वो मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन और ऑग्नेशन, ये सारे जिस ऑप्शन में रहेगा वो सारे होगा आपका नोबेल गैस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कथक डांस इज रिलेटेड टू हुई स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको बहुत बारी आया है एसएससी एमटीएस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका हुईज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज ए न्यू ईयर इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के नव वर्ष के रूप में कौन सा जो आपका फेस्टिवल है वो मनाया जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा आपका पुथांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ चाइना, तो चाइना का लैंग्वेज क्या है? तो उसका नाम हो दोस्तों आपका मैंडरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अंडर हुईज ऑफ द फॉलोइंग हुईज कंट्री इज कनेक्टेड टू नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के साथ कौन सी देश का वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के साथ, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका रसिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, वो किसके साथ है? ग्रीनलैंड के साथ जुड़ा हुआ है, और वो क्या, और यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका व्हिच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स इन हरप्पा सिविलाइजेशन, हरप्पा सभ्यता में किस सिक्को को बनाया जाता था किस सामग्री से? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कॉपर एंड सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू क्रिकेट, तो नीचे ऑप्शन दिया गया था, क्या ऑप्शन दिया गया था पता नहीं, मगर क्रिकेट से रिलेटेड सारे वर्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके सारे वर्ड एक बार देख लेना, क्योंकि आपके देखो यहाँ पर है LBW है, लेग बिफोर है, विकेट है, नो बॉल है, ओवर थ्रो है, पेस है, स्टाम्प है, तो इतना सारा वर्ड है, आप लोग देख लेना एक बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑटोट्रॉप, तो ऑटोट्रॉप किस में पाया जाता है, ठीक, तो आपका हो जाएगा प्लांट, एल्गी, प्लैंकटन, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका हु रोट द बुक आई एम नो मसीहा, ठीक है, आई एम नो मसीहा, ये मसीहा होगा, ठीक है, आई एम नो मसीहा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सोनू सूद। हुईज इंडियन गॉट द फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड, तो फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड भारतीय में से किसको मिला था? उसका आंसर हो जाएगा रवि शंकर, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हिच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NH 44, कन्याकुमारी टू श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका चिट्टी बाबू इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उसका आंसर हो जाएगा आपका बीना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 74। ये शायद आपका दोबारा पूछा गया है एसएससी एमटीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म ऑफ आरडीए, आरडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये हो जाएगा आपका आरडीए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टैम्प एंड बैटिंग क्रीज इन द क्रिकेट, क्रिकेट में जो जहाँ पर ये अगर क्रीज हो गया तो यहाँ पर अगर आपका स्टैम्प है तो स्टैम्प से कितना दूरी में बैटिंग करा जाते हैं, ठीक है, तो यही बोला गया, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1.22 मीटर और 4 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था हाउस ऑफ हनी बी आर कॉल्ड, तो मधुमक्खी का घर को क्या बोला जाता है, उसका आंसर हो जाएगा आपका हाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हेमा मालिनी इज रिलेटेड टू हुईज ट्रांसफॉर्म, हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है, उसका आंसर हो जाएगा आपका भारतनाट्यम। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना भारतनाट्यम किस स्टेट का आपका नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका लद्दाख यूटी शेयर्स बॉर्डर विथ हुईज कंट्री, तो ऑप्शन में अगर ये तीनों में से जो भी रहेगा वो सारे आपका आंसर हो जाएगा चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेकंड बैटल ऑफ तोराइन वाज फॉर्ट, ये शायद आपका तीसरी बार पूछा जा रहा है इसे सी एम केस में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पे ऑथर ऑफ दिस बुक, टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक के ऑथर कौन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हिच ग्रासलैंड फाउंड इन एशिया, एशिया में किस कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका इंडियाज फास्ट ट्रेन रन बिटवीन हुईच प्लेस, इंडिया की जो पहली ट्रेन था वो किन स्थानों के बीच में चला था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर इन 1853 लॉर्ड डालहौसी के मंथ टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था व्हाट इज द कल्टीवेशन ऑफ हनी बीज, तो उसको हनी मधुमक्खी का जो कल्टीवेशन होता है तो उसको बोला जाता है आपका एपिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका हु इज नोन एज ए धिंग एक्सप्रेस, धिंग एक्सप्रेस से किससे जाना जाता है, तो उसका आंसर है आपका हिमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन को किसको बोला जाता है इंडिया में, तो उसको बोला जाता है आपका दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड शिप एंड थर्ड शिप के कुछ क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन हमारे पास आया था वो सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।